हेलो गाइस। तो अभी मंसूरी आए हुए हमें दूसरा दिन हो चुका है और अभी सुबह सुबह उठे हैं। अभी सुबह का टाइम है तो सभी सोए हुए हैं मेरे दोस्त। तो अपना एक भाई जाग चुका है गोलू और दूसरा भी जाग चुका है। बाहर के नज़ारे कुछ देखने वाले हैं। हर सफ़र की अपनी एक कहानी होती है जिसको सुनने का अपना ही एक मज़ा होता है। उसी तरह हमारे सफ़र की भी एक कहानी। शुरू में हमें लगा कि फिल्मों की तरह ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा या काइपोची की तरह हम भी ट्रिप के पूरे मज़े लेंगे, लेकिन शुरुआत में ही एक टैचडी हो गई। तो अभी हम लोग ट्रेन में चढ़ गए हैं, लेकिन हमारा दोस्त राकेश अभी नहीं पहुंचा है, वो सो चुका है। मेरा एक दोस्त ट्रेन में अभी तक नहीं चढ़ा और ट्रेन चल पड़ी है, तो वो हमारे साथ ट्रिप पे शामिल नहीं हो पाएगा। हम लोगों ने जैसे सोचा था कि हमारा पीछा छूट चुका है, मतलब वो ट्रेन में नहीं चढ़ा, वो हमें चौंकाते हुए हमसे पहले आगे पहुँच चुका है। यार हम लोग ऋषिकेश में क्या कर रहे हैं? मंसूरी नहीं चल रहे क्या? अरे तो जल्दी जल्दी निकालो सब कुछ। यार तुम लोग भी ना हमेशा लेट करवा देते। रात को जब से बारिश हुई है तब से यहाँ ठंड काफ़ी ज़्यादा पहले से बढ़ गई। अभी सोच रहे हैं स्वेटर वगैरह लाते तो थोड़ा अच्छा होता, क्योंकि आज सोच रहे हैं बाइक राइड करने। आज हो सकता है कि हम बाइक राइड भी करें, तो बस उसी की तैयारी में लगे हैं। अभी वाटरफॉल देखने के लिए आए हैं, तो अभी उस साइड जाके वाटरफॉल है, तो अभी वहाँ पे जाएंगे। अभी सिर्फ गाड़ी से उतरे हैं सभी लोग, तो अभी चलते हैं। चलते हैं काफी ज्यादा फोटोशूट करने के बाद।